हमर ऊपर से सर के जा आज इतना जूता मारेंगे तोरा कि तू तो गाड़ी चलाना भूल जा रे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जूता मारूंगी ड्राइवरी भूल जाएगा, ड्राइवर के साथ दबंगई दिखाती महिला ने दी धमकी। कैसे गाड़ी चला रहा था? तो हम तो गाड़ी चलाना भूल जा रहे। क्या हुआ था? जैसे सर टर्निंग है ना, टर्निंग में हो जा रहे थे, कट रहे थे, हम कट रहे थे, हल्का सा बाज गया पीछे, इनका पीछे बजा हल्का सा टर्निंग में। दारू पिए हुए? नहीं सर, दारू पीते में करते हैं है? नहीं दारू पीते सर, नहीं पीते सर, ट्रैवलिंग था हम तो वही कह रहे मैडम, जे कहना है कहा दीजिए। तुम्हारे गाड़ी का इंश्योरेंस है? हाँ सर। है कि फेल है? नहीं सर। है कि फेल है? हाँ सर, मालिक से पूछ लेते हैं। हाँ, पूरा फैमिली साथ में बैठा हुआ है तो जान मार देते आज चट्टाई। गाड़ी हम लोग रोके हुए थे, क्यों रोके हुए थे? हम तो खड़ी गाड़ी में मारा है। वीडियो में आपने देखा कि एक अकेला ड्राइवर झुंड के बीच अकेला खड़ा है और एक महिला उसको जमीन करने में लगी है, और महिला जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है वो तो धमकी ही लग रही है। महिला कहती हुई सुनाई दे रही है कि जूता मारूंगी कि ड्राइवरी भूल जाएगा, और बात करते करते डीएसपी तक पहुंच गई। महिला कह रही है कि डीएसपी को फोन लगाइए, यानी कि महिला अपनी पावर दिखाकर ड्राइवर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे सारी की सारी गलती सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की हो। अब बताते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या है जिसकी वजह से इतनी गर्मा गर्मी चल रही है। दरअसल ये पूरा वाक्य बिहार का है, जो बाजार का एरिया है। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि बुलेरो गाड़ी को पीछे से ट्रक से टक्कर लग गई, जिससे गाड़ी को थोड़ी सी खरोच लग गई है, पर गहमा गहमी इतनी बड़ी कि बात जूते मारने तक पहुँचाई। वहाँ खड़ी महिला और वहाँ खड़े लोग सबके सब ड्राइवर पर आरोप लगा रहे हैं। ड्राइवर इतना घबराया है कि उसके शब्द तक लड़खड़ाते हुए सुनाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि उसे ये कह रहे हैं कि उसने शराब पी रखी है, यानी कि सारा का सारा इल्जाम ड्राइवर पर थोपा जा रहा है। बेचारा ड्राइवर घबराया हुआ खड़ा है, कोई वीडियो बना रहा है तो कोई किसी को फोन लगा रहा है। अब आप मान लीजिए कि अगर गलती ड्राइवर की भी है, तो जितना सुनने में आ रहा है कि गाड़ी में थोड़ी सी खरोच आई है या जो भी हुआ हो, पर कार्रवाई के लिए कानून है। पर यहाँ तो आप खुद ही दरोगा बने बैठे हैं। अगर कानून के होते हुए आप खुद ही दबंगई दिखाएंगे और दरोगा बन जाएंगे तो कैसे चलेगा? और भी कई सवाल हैं, जैसे जहाँ वाक्य घटा वो बाजार का एरिया लग रहा है, या तो इस जगह पर एंट्री नहीं है या नो एंट्री का बोर्ड नहीं है, और ट्रैफिक कर्मी कहाँ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है, क्या कोई कानून या कोई प्रशासन नहीं है, क्या छोटी छोटी बातों पर कानून हाथ में लेना सही है, और यूं दबंगई दिखाना मारना पीटना सही है? तो फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।